नमस्कार, अढ़ाई के अड्डे में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे इंदौर की, जहां युवती को इंजेक्शन लगाकर बदमाश भाग गया। बहन के साथ बाजार युवती गई थी, पुलिस ने मौके से खाली इंजेक्शन बरामद किया है। इंजेक्शन में लिक्विड की फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। इंदौर का यह मामला, जहां बहन के साथ बाजार युवती गई थी लेकिन एक बदमाश ने इंजेक्शन एक युवती को लगा दिया और वहां से भाग गया। फिलहाल लगातार फॉरेंसिक टीम ये जांच कर रही कि इंजेक्शन में कौन सा लिक्विड था और आखिर क्यों बदमाश ने युवती पर इंजेक्शन से हमला किया है। क्षेत्र में एक घटना हुई है, जिसमें एक फरियादिया के द्वारा बताया गया कि पिछले एक साल से एक किशोर नाम का लड़का उसको परेशान कर रहा है और लगभग ये जो कल जो कि 12 तारीख को लगभग 7 बजे के आसपास, शाम को 7 बजे के आसपास धानगली शराफा में किसी के द्वारा कमर में इंजेक्शन भी लगा दिया गया। तो इस आधार पर एक छेड़छाड़ का मामला और अन्य धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज दिखवाए जा रहे हैं, उसके अंदर वगैरह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं इंदौर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां राधे बाबा को जान से मारने की धमकी मिली है। राधे बाबा ने पुलिस को इसकी शिकायत भी दे दी है। बाबा को फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, पुलिस जांच में जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां राधे बाबा को जान से मारने की धमकी मिली है, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर दिया गया है। फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने धमकी दी जान से मारने की, ये अब तक नहीं पता चल सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही रात्रि को 9:11 पर एक कॉल आई थी, जो मुझे मार से धमकी दे रहे थे, मारने की गाली बक रहे थे, उठा ले जाने की धमकी दे रहे थे। उसका मैंने छत्रीपुरा पुलिस थाने में आवेदन दिया है। और ये क्या है, जो कट्टरपंथी लोग जो हमसे चिढ़ते हैं, सनातन के जो विरोधी हैं, वो ऐसा कार्य करते रहते हैं। पहले भी मेरे को धमकी आई है, मोहरम के ऊपर भी सन से जुदा ऐसे नारे मेरे आश्रम पे लगे हैं। बहुत बार मेरे को धमकियां भी आई है, हमले भी हुए हैं, आश्रम पे भी हुए हैं। संत महाराज है, एक उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है छत्रीपुरा थाने में। उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक अननोन नंबर से उनके पास कॉल आया था और उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उसके बाद मुझे गंदी गंदी गाली देने लगा। इस आधार पर उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और जो नंबर है वो नंबर 13 डिजिट का नंबर है, 13 डिजिट का नंबर है। जो इस तरह के नंबर जो वर्चुअल नंबर होते हैं, फिलहाल इस पर जो जांच बैठा दी गई है, इसमें आवेदन दे दिया गया है और जांच की जा रही है। जांच पे आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई। रायसेन से खबर, जहां कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंडी द्वीप दौरे के बाद कांग्रेस को झटका लगा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने के बाद अब पचौरी के समर्थक नेता भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मंडी द्वीप के 2 पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पूर्णिमा राजा जैन की बीजेपी में वापसी। मंडीदीप नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष जगदीश शर्मा भी बीजेपी में शामिल। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमेश गौर और उद्योगपति गौरव पचौरी भी बीजेपी में शामिल। इसके अलावा 12 कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग अभियान जारी है। कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख सकते हैं, जो मौके पर मौजूद थे। मोहन यादव भी यहां पर रायसेन के दौरे पर थे, मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी में शामिल कराया है कई नेताओं को, चेहरों को। नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे वो भी बीजेपी में शामिल हुए। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार कांग्रेस को झटका और बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर सुरेश पचौरी ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो यूनिवर्सिटी ने उस दौरान दिखा दिया था कि कहीं ना कहीं जो अब है रायसेन जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बनेगा, जो कांग्रेस के जो लोग हैं लगातार यहाँ पर वो शामिल होंगे। आज अगर बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी की यहाँ पर सभा थी मंडीदीप में, विकास कार्यों की थी। इसके दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगाया, जबकि मंडीदीप के
दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पत्री सिंह चौहान, पूर्व राजा जैन यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। हालांकि और यहाँ पर जो अन्य नेता है कांग्रेस के वो भी यहाँ पर शामिल हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बात की जाए अभी भी यहाँ पर और जो कहीं ना कहीं जो समर्थक है, जो पचौरी समर्थक है, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लगातार यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगा दिखाई दिया राजस्थान में। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और पूर्व विधायक गंभीर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। कई कांग्रेस के नेताओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मुरैना जिले के भी 6 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, मंत्री एंजल सिंह ने बीजेपी की सदस्यता इन चेहरों को दिलाई है। आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छिंदवाड़ा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, बंटी साहू जी, हमारे अदल सिंह दसाना जी और पूरे छिंदवाड़ा के लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो वही जगदलपुर में 2 महिला पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों ने इस्तीफा दिया और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच को अपना इस्तीफा थमाया है। पार्टी के नेताओं पर अपमान का आरोप लगाया, कमरे में बंद करने का भी आरोप है। अपमान के चलते इस्तीफा दिया गया। अरे अभी जो वो हुआ था अविश्वास प्रस्ताव जो 11 तारीख को था, उसके लिए हमको कांग्रेस भवन बुलाया गया था। हम लोग, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, हम लोग कांग्रेस भवन में 11 बजने में 5 मिनट कम था तो पहुंचे। अध्यक्ष जी के द्वारा लड़कों को हमारे पीछे लगाया गया था और कारण पूछने पर एकदम जोर से वो चिल्लाए और बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऊपर से बोलते हैं कि बी फॉर्म साइन नहीं करूँगा, टिकट नहीं देने की धमकी देते हैं और महिला होने के नाते हमको तू तड़ाक से बात करके हमारा बेइज्जती करते हैं। ऐसे में कौन रहना चाहेगा इस पार्टी में। हम लोग इस्तीफा दीपक बैच को दिए, प्रदेश अध्यक्ष, और इसलिए दिए कि सुशील मौर्य हम लोगों के साथ व्यवहार गलत किए, चिल्लाए वहाँ पे सभी लोगों के सामने। उस दिन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी थे और सारे पार्षद थे और महापौर जतिन भैया और हमारे पूर्व विधायक भी थे। तो कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों के इस्तीफे के बाद हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। देखिए कांग्रेस के यही संस्कृति है, हम तो शुरू से बोलते हैं कि कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, विकृति है। ये कभी महिलाओं का सम्मान की ही नहीं कांग्रेस। पिछले समय भी इन्होंने वादा किया था 500 रुपया महीना देने का, सालाना 6000 कहाँ दिए। इनके तो संस्कार में ही है महिलाओं का अपमान करना, लोगों का अपमान करना, ये उनकी संस्कृति में और उसका पालन कर रहे हैं। सूरजपुर जिला पंचायत सदस्यों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां अध्यक्ष समेत सदस्यों ने प्रदर्शन किया। जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे और अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति न मिलने से नाराज नजर आए। 3 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति अभी लंबित है, समझाइश में लगातार प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर SBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। SBI ने अपने हलफनामा में कहा है कि जिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसा कैश नहीं करवाया गया है, वो पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चला जाएगा। SBI ने अपने हलफनामे में बताया है कि 187 इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कैश नहीं करवाया गया, वो पैसा PM रिलीफ फंड को चला जाएगा। SBI ने बताया 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, इनमें से 187 का भुगतान नहीं किया गया।
छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ का गेहूं काटते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रियानाथ चुनाव प्रचार के दौरान खेत में गेहूं काट रही हैं और लोगों से मिलने पहुंची। इस दौरान प्रियानाथ ने खुद भी गेहूं काटा। उनका वीडियो अब वायरल हो रहा है और काफी चर्चा में है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां ये प्रियानाथ है, नकुलनाथ की धर्मपत्नी, गेहूं काटते हुए नजर आ रही हैं। गांव वालों के बीच मौजूद थी वो, उनसे बातचीत भी कर रही थी और साथ ही उन्हीं की तरह उनके साथ मिलकर गेहूं काटते हुए नजर आई। और अब बात जांजगीर चांपा की होगी, जहां भीषण सड़क हादसे